गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. मैं निवेद श्रीवास्तव. आज हम टैली का नया सेशन जिस पढ़ने के लिए आए हैं, और इस सेशन में हम कुछ नए टॉपिक्स को लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे. और इससे पहले कि हम नया टॉपिक स्टार्ट करें, हम पहले सेशंस में देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी थी. तो पहले सेशंस में हमने सबसे पहला सेशन जो यूज़ किया था उसका नाम था कंपनी इन्फो, जिसमें हमने क्रिएट कंपनी, शट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, अल्टर, बैकअप, रीस्टोर के बारे में देखा था. सेकेंड हमने काउंट इन्फो में, जिसमें हमने लेज़र, सिंगल लेज़र, मल्टीपल लेज़र, सिंगल लेज़र में क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर के ऊपर काम किया था. और उसके बाद हमारा जो हमने एक प्रॉब्लम्स ली थी जिसमें कंपनी है वो 5 लाख रुपए से ओपन हो रही है, तो मैंने वहाँ पर लेज़र बनाना सीखा था और कंपनी के ओनर को कैपिटल अकाउंट के अंदर रखा था और उसमें ओपनिंग बैलेंस में पैसा डाला था. इवन कैश को मैंने अल्टर भी किया था, जिसमें उसमें 5 लाख वहाँ पे इंटर किया, और ये भी बताया था कि कैश बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वो कैश इन हैंड में जाता है. मल्टीपल लेजर पे भी हमने काम किया था. उसके बाद हमने इन्वेंट्री इन्फो में काम किया था थर्ड सेशन में, जिसमें ग्रुप बनाया था, यूनिट बनाया था और आइटम क्रिएट किया था. तो ग्रुप मीन्स आपका कैटेगरी है कि अपने को अपने आइटम्स को किस ग्रुप में रखना चाहते हो. यूनिट पीसेस, एनओएस, किस तरह से आप उसको रखना चाह रहे हैं. देन आइटम्स हमने बनाए थे और हमने इसको क्रिएट किया था. उसके बाद आज का जो हमें टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है अकाउंटिंग वाउचर, और अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हम पढ़ेंगे परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर. तो हमको जो पढ़ना है उसका 4 सेशंस है. इसका नाम है अकाउंटिंग वाउचर, और अकाउंटिंग वाउचर के हमें अंदर जो पढ़ना है उसका नाम है परचेज वाउचर, और सेकंड हमारा है सेल्स वाउचर. तो सबसे पहली चीज़ हम ये जान लेते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर होता क्या है. अकाउंटिंग वाउचर वो होता है जहां हम अपने लेज़र को अपडेट करते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, उसमें हम कोई चेंजेस करते हैं, जिससे लेज़र हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है और लेज़र के ट्रांजैक्शंस मेंटेन होते चले जाते हैं. तो लेज़र के ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम 2 कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे. अभी वैसे वाउचर्स हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बस पहला हम यूज़ करेंगे परचेज वाउचर और दूसरा यूज़ करेंगे सेल्स वाउचर. उसके बाद मैं धीरे धीरे सारे वाउचर्स पे भी आपको काम करना सिखाऊंगा. तो चलते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले हम परचेज वाउचर पे. परचेज वाउचर जिसका शॉर्टकट की है F9, इस वाउचर का यूज, देखिए मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं जिससे आराम से आप रीड कर सकें, यूज उस टाइम किया जाता है जब हम किसी से कोई गुड्स पर चेज करते हैं, तो हम इसमें इंट्री करते हैं. इस वाउचर का यूज़ उस टाइम किया जाता है जब हम किसी से कोई गुड्स परचेज करते हैं, तो हम इसमें इंट्री करते हैं. तो इसको करने के लिए जी ओ टी के अंदर अकाउंटिंग वाउचर के अंदर परचेज वाउचर जिसका शॉर्टकट है F9 का यूज़
कर देते हैं, ठीक है। अब इसको यूज करने के लिए मैं क्या किया है, एक प्रॉब्लम बनाई है। प्रॉब्लम है कार प्राइवेट लिमिटेड कार प्राइवेट लिमिटेड ने 20 सी और 20 सी 500 रुपीज और 20 जावा 700 रुपीज रुपीज में परचेज किया 500 रुपये पर पीस और 20 जावा पर पीस। हाँ यस, एक थोड़ा सा चेंजेस करेंगे हम, यहाँ पे लिख देते हैं पर पीस में परचेज किया। एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। कार प्राइवेट लिमिटेड ने 20 सी 500 और 20 जावा 700 पर पीस में परचेज किया मिस्टर मिस्टर लक्ष्मण से। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, स्टेप नंबर 1 में जाएंगे। सबसे पहले लेजर लेजर किसका बनेगा, मिस्टर लक्ष्मण का, जो कि क्या है परचेज अकाउंट में रखने के लिए बनाए गए हैं। तो कैसे बनेंगे, जीओटी के अंदर अकाउंट इन्फो के अंदर लेजर लेजर के अंदर सिंगल यहाँ पर लेजर्स होगा, एक मिनट, लेजर नहीं लेजर्स, और यहाँ पर होगा सिंगल लेजर के अंदर आपको मिलेगा क्रिएट। क्रिएट में नेम में यहाँ पर आप इंटर कर दोगे मिस्टर लक्ष्मण, और अंडर में जाएगा परचेज अकाउंट। स्टेप नंबर 2 में हम अकाउंटिंग वाउचर में परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे, सॉरी परचेज, मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे, में क्या करेंगे एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे, GOT अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर परचेज में, परचेज मींस F9। अब देखते हैं इसको करके, प्रैक्टिकली देखते हैं। मिस्टर लक्ष्मण का एक लेजर बना देते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ देख लेना चाहता हूँ कि हाँ, मैं यहाँ पे बनाऊँगा लेजर क्रिएट मिस्टर लक्ष्मण, ये चले गए परचेज में, परचेज में हम गए, कर दिया हमने परचेज। अब उसके बाद हम इसकी एंट्री कर देंगे। एंट्री करने के लिए काउंटिंग वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर अपने मेंटेन किया जो भी लिखना है परचेज का है, हमने इनवॉइस बनाया है P01 नाम से, हमने इंडिकेट सीरियल रख देते हैं, अच्छा लगेगा। यहाँ आप रेफरेंस किसका ले रहे हैं, मान लीजिए रेफरेंस आपने आशुतोष का लिया है, माने जरिया सप्लायर कौन है, कौन सप्लाई कर रहा है, किससे, लक्ष्मण, यहाँ पे आ गए मिस्टर लक्ष्मण। एड्रेस कहाँ का है, नोएडा का है, यूपी का है, हो गया। उसके बाद किसको, मिस्टर लक्ष्मण को सी परचेज कर रहे हैं, कितनी 2500 रुपीस के हिसाब से, यही है ना। फिर उसके बाद जावा 2700 रुपीस के हिसाब से, देख लीजिए, देख लेते हैं, चला था सही लिखा है हमने, हाँ
पीसेस यहाँ पर ऐसे कर दिया, टोटल अमाउंट यहाँ पर बन रहा है 24,000, माने 5 लाख से 24,000 हम माइनस करेंगे। ये देखिए 24,000 का हमने परचेसिंग की, तो 5 लाख है हमारे पास। तो 5 लाख में मैं एक्सेल खोल लेता हूँ और यहाँ क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि कितना बच रहा है। यहाँ मैंने एक्सेल ओपन किया है और मैंने यहाँ पर 5 लैक्स माइनस 24,000 माइनस किया तो 4,76,000 रुपये मेरे पास बनना चाहिए। चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं, 4,76,000 बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये जहाँ देखने के लिए हमको जाना पड़ेगा डिस्प्ले, डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस होता क्या मैं बाद में बात करूँगा। यहाँ 24,000 है परचेजिंग, करेंट एडसेट में हमारे पास 4,76,000 का है, था कितना 5 लाख रुपये। क्लियर हो गया ये सुनो। अब हम बात करेंगे सेकेंड वाउचर्स पे, जिसका नाम है सेल्स वाउचर्स। सेल्स वाउचर जिसे हम बोलते हैं F8, इस वाउचर का यूज उस टाइम किया जाता है जब हमको, जब हम किसी को कोई गुड्स सेल करते हैं। कैसे करेंगे? सेम जी ओ टी के अंदर अकाउंटिंग वाउचर, वाउचर के अंदर सेल्स वाउचर, जिसका शॉर्टकट की है F8। ठीक है, अभी परचेस किया था, अब सेल करेंगे। तो मैंने फिर से यही प्रॉब्लम सॉल्व, नहीं इसी में ही आगे बढ़ाकर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। कार प्राइवेट लिमिटेड ने 10C 700 रुपये पीस में सेल किया मिस्टर टाइगर को। तो सबसे पहला स्टेप्स यहाँ पर फिर से हमारे पास एक लेज़र बनेगा। मैं तेरा तो तेज कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ मैंने बता दिया है। एक लेज़र बनेगा मिस्टर टाइगर का, जो कि जाएगा सेल्स अकाउंट के अंदर। कैसे जाएगा? GOT अकाउंट इन्फो के अंदर लेजर के अंदर सिंगल लेजर के अंदर क्रिएट। यहाँ पर जाएंगे, नेम में आप डाल दीजिएगा मिस्टर टाइगर, अंडर में डाल दीजिएगा सेल्स अकाउंट। आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, पूरा लिखना पूरा लिखिए, नहीं शॉर्टकट में आप जैसे मैंने ऊपर लिखा है परचेज में, आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में जाएंगे, जहां पर सेल्स वाउचर इंट्री करना होगा। कैसे करेंगे? यही ऊपर वाला हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे की तरफ पेस्ट कर देते हैं। सॉरी ये वाला नहीं, गलत पेस्ट हो गया हमसे, हमें ये वाला पेस्ट करना था, ये पेस्ट कर लिया। अब मैं इसकी एंट्री करूँगा तो मिस्टर पहले लेज़र बनाना होगा मिस्टर टाइगर का। तो चलिए मिस्टर टाइगर का एक लेज़र बना देते हैं, मिस्टर टाइगर का लेज़र जो कि सेल्स के अंदर चला जा रहा है। ये हमारा क्रिएट हो गया। अब हम इसकी सेल करेंगे, सेल करना है हमको, सेल का शॉर्टकट की F8 में जाएंगे, यहाँ रेफरेंस नंबर डाल देंगे, कैश होगा, डिलीवरी नंबर आप डाल दीजिए, डिस्पैच टॉकेट नंबर डाल दीजिए। थ्रो कैसे हो रहा है? थ्रो हो रहा है ट्रेन के जरिए जा रहा है, मान लीजिए एग्जांपल में मैंने लिया है। कहाँ जा रहा है? इलाहाबाद जा रहा है। ऑर्डर नंबर मान लीजिए ये है। मॉडल कैसा है? पेमेंट और टर्म्स ऑफ पेमेंट, मैंने कैश होगा
अदर रेफरेंस में ले लीजिए, NIIT ले लीजिए आप, नीरज के जरिए, या आपने जो भी नाम देना है आप एक्स इसमें आप दे सकते हैं XYZ, जो भी आप देना है दे दीजिए। टर्म्स ऑफ डिलीवरी, कैश इन हैंड दे दिया मैंने, बायर कौन है, खरीद कौन रहा है, खरीद आपके मिस्टर खरीद रहे हैं, मिस्टर टाइगर खरीद रहे हैं जो कि नोएडा में ही हैं, उत्तर प्रदेश। ये पूरी डिटेल हमने क्रिएट कर ली, यहाँ मिस्टर टाइगर आ गए। टर्म सी यहाँ पे 10 में सेल करना है 700 रुपये के। अब देखिए यहाँ 7000 अगर वो बेच रहा है 7000 का गुड, तो 476 है तो 7000 ऐड हो जाएगा तो कितना बनेगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं 7000 ऐड किया तो बन गया 483000 रुपये मेरे पास, मतलब करंट एसेट मेरा 483000 का होना चाहिए। तो ये कहाँ से चेक होगा, ये चेक आपका होगा डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, और ये देखिए करंट 183000 का दिख गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर आपको समझाए कि कैसे हम वाउचर पे काम करते हैं। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, इस बार चेक कर लेते हैं क्रॉस, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने आज पढ़ा परचेज वाउचर, परचेज वाउचर में जिसका शॉर्टकट F9 है, और सेल्स वाउचर पता जिसमें हमका शॉर्टकट की F8 है। परचेज वाउचर में एंट्री कब करेंगे, जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं, और सेल्स वाउचर में कब करेंगे, जब हम कोई सेल करते हैं उस दौरान हम इसका यूज़ करेंगे। आपको शायद है कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, आप लोग को अगर ना समझ में आया हो या कुछ डाउट है तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रॉब्लम को लिखें। आप विश्वास रखिए मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।